इसे कहा जाता है भारत का दूसरा कश्मीर, जापान, नीदरलैंड, आयरलैंड जैसे देशों से आते हैं यहाँ लोग। तो दोस्तों हम भी देखने वाले हैं आज यह त्रिस्मी झरना, जिसके नीचे से होके जाती है गुफा रामगढ़ और नवगढ़ के लिए। तो दोस्तों पहुंचने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेडी हो जाइए दोस्तों। तो दोस्तों हम लोगों ने टिकट ले लिया है और यहाँ पे हॉर्न ना बजाने के लिए वार्निंग दिया गया है, तो हम लोग घुसते हैं जंगल में। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं यहाँ पे और पार्किंग में अपनी गाड़ी को खड़ा करेंगे और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कितनी काफी मात्रा में बस गाड़ी और फोर व्हीलर यहाँ पे खड़े हैं। तो और हम भी उठाते हैं इस नजारे का भरपूर आनंद। काफी धूप है यहाँ पे, काफी गर्मी है, लोग देख रहे हैं पत्थरों के नीचे खड़े होके यहाँ पे छांव में, और यहाँ पे झरने की आवाज साफ सुनाई दे रही है। तो हम लोग चलेंगे पहाड़ पे दोस्तों, पहाड़ पे चल के झरने का अद्भुत नजारा को देखेंगे। यहाँ पे सेल्फी लेते हुए लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, कितना खतरनाक कितना डेंजरस जगह है। और आप लोग देख सकते हैं सीधा यह पहाड़ी है, पहाड़ी जो बहुत ही नीचे खाई है दोस्तों। अगर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जबरदस्त वाटरफॉल हो रहा है और यह वाटरफॉल एक जबरदस्त झरने का रूप लेता है। मैं जस्ट आप लोग को तुरंत लेके चलूंगा वहाँ पे और वहाँ का आनंद उठाएंगे हम लोग दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना जबरदस्त यहाँ की सीनरी है, यहाँ पे लोग कैसे इंजॉय कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, नहा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे पिकनिक स्पॉट है जहाँ देश के हर एक कोने से यहाँ पे लोग आते हैं। तो कैसे यहाँ पे लोग अपने फैमिली के साथ आए हुए हैं और यहाँ पे नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इंटरटेनमेंट कर रहे हैं। मैं आप लोग को लेके चलता हूँ वहाँ पे जहाँ पे यह झरना बन के गिर रहा है दोस्तों, जो 50 फुट नीचे पानी गिर रहा है, नदी के तरह बह रहा है, यह पानी पूरा नीचे गिरा। आप लोग समझ सकते हैं कितना खतरनाक वहाँ का नज़ारा होगा। और उसके जस्ट नीचे गुफाओं का भरमार है, काफ़ी गुफाएँ जो यहाँ से निकलती हैं और सीधे नवगढ़ और रामगढ़ में जाकर निकलते हैं। राजा महाराजाओं का यह गुफा भी यहाँ इसके अंदर दोस्तों, और जिसको हम लोग जस्ट तुरंत देखने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ चलिए वहाँ पे, उसका आनंद उठाइए। तो हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस समय हम लोग झरने के बिल्कुल करीब आ चुके हैं और अभी हम लोग आप लोग नीचे देख सकते हैं यहीं से झरना वो नीचे गिर रहा है। और मैं जस्ट आप लोग को लेके चलता हूँ झरने के पास, और उससे पहले मैं झरने के उस पार का नज़ारा दिखाता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा जूमिंग करके कैसे पत्थर के नीचे लोग बैठे हुए हैं और कितना खतरनाक वो पत्थर है, पहाड़ है दोस्तों, उसके नीचे लोग बैठ के छांव ले रहे हैं। तो मैं लेके चलता हूँ वहीं पे आप लोगों को और वहाँ से हम लोग झरने को आसानी से और एकदम सामने से देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे धीरे धीरे सभी लोग झरने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और जो लोग देख चुके हैं वो अपना आराम कर रहे हैं, क्योंकि काफी धूप होने के कारण यहाँ पे बहुत ही मुश्किल है वहाँ पे रुकना दोस्तों, बहुत गर्मी काफी। देखिए दोस्तों गजब का नजारा है यहाँ पे। यहाँ झरने की आवाज़ बहुत ही खूबसूरत लग रही है दोस्तों। मैं आप लोग को और सामने लेके चलता हूँ और एकदम नीचे का नज़ारा को देखते हैं हम लोग। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कितना नीचे तक मैं दिखा पाता हूँ आप लोगों को।
बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों। कोई सेल्फी ले रहा है तो कोई घूम रहा है, कोई एंजॉय कर रहा है, कोई मज़े ले रहा है, तो कोई इसी में नाच रहा है दोस्तों, तो कोई इसमें टिकटॉक बना रहा है, कोई ब्लॉग बना रहा है हमारे तरह। तो यहाँ पे बहुत ही खुशनुमा नज़ारा है और इसमें हम लोग एकदम करीब आ चुके हैं झरने के। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बड़ी खानी है यार, ये तो इतना नीचे लगभग 50 से 100 फीट नीचे है भाई होगी, और आवाज़ बहुत सुन सकता है। और दोस्तों ये भी झरना गिर रहा है, इसी के नीचे गुफाएँ हैं जो नाव घर के लिए जाती हैं दोस्तों। ये गुफाएँ जो चले जाएंगे सावन के महीने में थोड़ा पानी कम हो जाता है दोस्तों, तो इस समय ये गुफाएँ आप देखती हैं, इस समय जुलाई अगस्त का समय चल रहा है, काफ़ी यहाँ पे पानी बरसात का मौसम है दोस्तों, जिसकी वजह से हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पे पानी की आवाज़ पहले सुनिए, लग रहा है कि तूफान आया हुआ है यहाँ पे, इतना खतरनाक इसका आवाज़ है पानी का, क्योंकि इतनी ऊपर से गिर रहा है कि यहाँ पे घूमने का फुहारा भी दिख रहा है, पानी का फुहारा बहुत ही खतरनाक तरीके से यहाँ पे पानी गिर रहा है दोस्तों। आप लोग कितना भयावह नज़ारा हो सकता है मैं बता दूँ दोस्तों, यह पानी देवदरी से होते हुए सीधे जाके नदी में गिरता है। लोग आते हैं और यहाँ का आप लोग लुक देख सकते हैं, यहाँ का दृश्य देख सकते हैं कितना खूबसूरत यहाँ का दृश्य है। यह एक रहस्यमय झरना है और इस झरने के बारे में आप लोग को बताता हूँ मैं। यहाँ पे जो आप लोग नीचे झरना दिखाई दे रहा है, यहाँ पे गुफाएं हैं, इस गुफाओं को सीआरपीएफ की टीम ने अंदर जाकर निरीक्षण किया था, वन लाख के टीम ने भी इसका निरीक्षण किया था। यहाँ पे ये लोग अंत तक जाने में असफल रहे और सामने से ये गुफा अंदर तक जाती है, जो वहाँ पे किले को जाकर टच करती है, जहाँ पे राजा महाराजा अपने सैनिकों को भेजा करते थे निरीक्षण के लिए। और खत में इस गुफा को बनाया गया था, लेकिन अभी आज के डेट में वहाँ पे जाना असंभव है और वातावरण इतना ज़्यादा हो रहा है कि इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतने जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में काफ़ी यहाँ पे पानी गिरता है, जिसकी वजह से यहाँ पे देखना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। यहाँ पे आप पानी देख सकते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे घूम रहे हैं। दोस्तों यहीं पे हम लोग अपने वीडियो को क्लोज करते हैं और यहाँ का सुंदरता का दृश्य हम लोगों ने भरपूर उठाया, तो आप लोग भी मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी दबा दें दोस्तों, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यहाँ लगातार पहुँचता रहे। और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, आप लोग वीडियो देख लेते हैं, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो यहीं पे मैं अपने वीडियो को क्लोज करता हूँ, नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।